Students, subscribe and press the bell icon to never miss an update from 2IITians. To attend live video classes on Euclid's geometry, kindly contact us. Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answer. Pehla hai, only one line can pass through a single point. Ab maan lijiye ye ek single point hai. Kya isse sirf ek hi line pass ho sakti hai? इससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट. तो ये हमारा हो गया फॉल्स. हम लोग लिखेंगे इन अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन पास. सेकेंड पार्ट है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अब देखिए, मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है. अब इससे सिर्फ एक ही लाइन तो पास होगी कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट्स. तो ये भी हमारा सेकेंड पार्ट, हम लोग लिखेंगे फॉल्स. नो, फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास. थर्ड पार्ट भी देख लीजिए इसी में. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली ऑन बोथ साइड. अब अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है मान लीजिए, तो ये क्या आप एक्सटेंड कर सकते हो? ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. हम लोग इसको और आगे ले जा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू. अब चौथा देख लीजिए. चौथा पार्ट बोल रहा है हमसे, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, मान लीजिए इसकी रेडियस 4 है और इसकी भी, ये भी इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस हमारी 4 ही रहेगी. तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू. अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट. इन फिगर 5.9 आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स ए बी इक्वल्स टू, देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई. तो देखिए फिफ्थ पार्ट में ये पहली बार ट्रू है. अब देखिए कैसे, अगर ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है और पी क्यू हमारा एक्स वाई के बराबर है, तो ऑब्वियसली हम लोग ए बी को एज अ पी क्यू लिख सकते हैं. पहली इक्वेशन से वी कैन राइट ए बी इक्वल्स टू पी क्यू. तो ए बी जब पी क्यू हो गया, तो ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई हो जाएगा.